सीवान से राजनीतिक सरगर्मी काफी तेज हो गई है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को लेकर राजनीतिक गलियारे में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। टुन्ना पांडे के बयानों को लेकर सीवान से जेडीयू के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह ने कहा कि टुन्ना पांडे शराब माफिया हैं और शराबबंदी से तिलमिलाए हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एमएलसी टुन्ना पांडे का कैरेक्टर खराब हो गया है, उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जो नीतीश को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। उनकी सारी योजनाओं में घोटाला हुआ है, सबकी जांच कराई जाएगी। देखिए, ये प्रेस बुलाई गई है। टुन्ना पांडे जो एमएलसी हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री के प्रति असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी के संदर्भ में बुलाई गई। तो ये एक शराब माफिया है। नीतीश कुमार ने बिहार में शराब नीति ला करके, जब से शराब बंद हो गया है, टुन्ना पांडे का कारोबार बिहार में ठप है। इसी से वो तिलमिलाया हुआ है व्यक्ति, और इसी से मुख्यमंत्री के प्रति अनाप शनाप और असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। माननीय को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि मेरा करेक्टर क्या है। अपने एक बेटी तुल्य लड़की से ट्रेन में छेड़खानी करते हैं और दूसरे पर उंगली उठाते हैं। तुमको, आपको तो खुद, टुन्ना पांडे को तो खुद ही सर्व से पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। दूसरे पर उंगली उठाने के पहले अपने करेक्टर को देख लेना चाहिए कि मेरा करेक्टर क्या है। नीतीश कुमार पर आज तक ऐसा आरोप कभी भी नहीं लगा है। अपने सार्वजनिक सार्वजनिक जीवन में कभी भी इस तरह का उन पर आरोप नहीं लगा है। और उनका तो आरोप पूरा बिहार जानता है कि पूरा देश जानता है। आखिर इस तरह का आरोप क्यों लगा रहे हैं मुख्यमंत्री को? इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि चूंकि उनकी योजना में गड़बड़ी है, उनके योजना में घोटाला हुआ है, उनके द्वारा घोटाला हुआ है आपको बेंच वाला में घोटाला हुआ है, आपका एम्बुलेंस वाला में घोटाला हुआ है, एकदम संलिप्तता है और उसकी जांच हो रही है। 5 सदस्यीय कमिटी बनी है बिहार प्रदेश में, वो आने वाली थी, कल परसों आने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई। पूरा कागजात नहीं सहित मिला, इसी वजह से नहीं है। पार्टी के नेता है, लाइन सरकार में है, पार्टनर है एनडीए में, इसके पहले जब एमपी का चुनाव था तो पूरा ब्राह्मण का लीडर बने हुए थे, जनेव तोड़ करके और किसी दूसरे का तलवा चाट रहे थे, और आज भी किसी दूसरे दल के तल रहे थे कि किसी खास व्यक्ति का मैं नाम नहीं रखना चाहता हूँ चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी के एमएलसी हैं सीवान का, वो अपने को बीजेपी कहते हैं अपने को बीजेपी कहते हैं, लेकिन बीजेपी में वो कहाँ है, उस सिद्धांत को कहाँ मानते हैं, मोदी के सिद्धांत को कहाँ मानते हैं, नरेंद्र मोदी को सिद्धांत को नहीं मानते, एनडीए के गठबंधन को नहीं मानते हैं। पहले तो वो जाएंगे जेल, टुन्ना पांडे जी का जेल जाना तय है। किस मामले में जेल जाएंगे? वो जाएंगे अपने योजना के घोटाला में, एम्बुलेंस घोटाला में। एम्बुलेंस घोटाला की बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि का काम है अनुशंसा कर देना, उसमें उनका कहाँ फिर हाथ हो गया? जनप्रतिनिधि अनुशंसा करता है और अनुशंसा के साथ साथ क्रय समिति जब बनती है तो उसका भी वो सदस्य रहता है। ये नहीं कि अकेले डीएम और डीडीसी और अन्य योजना पदाधिकारी रहते हैं। क्रय समिति में सदस्य होते हैं, होते हैं, वो भी होते हैं। जितना इस समय जब मुख्यमंत्री पर निशाना साधे हैं, पहले आप लोग क्यों नहीं लगाए थे? ना, आया था इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री विक्रम कुंवर, हमारे जो दल के नेता है, वो लगाए हैं। और मांग क्या करते हैं ये बताइए? हम लोग मांग करते हैं कि अगर हरकत से बाज नहीं आएंगे, उनको बाज आना पड़ेगा इस एथी से, अपने क्रियाकलाप से जो उनकी कार्य संस्कृति है, भाषा संस्कृति पर रोक लगा रहे। हम यही मांग करते वो हैं। तो कहते हैं सीधे तौर पे कि बीजेपी कोई मेरी खर्ची चलाती है। बीजेपी से तो उनको त्याग पत्र देना चाहिए, जब खर्ची नहीं चलती है तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, त्याग पत्र दे देना चाहिए। वो दूसरा पर उंगली उठाते हैं और जाकर के किसी दूसरे दल के खास व्यक्ति का, उसके लड़के का तलवा चाट रहे हैं। उनका तो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए कि हम हैं कि नहीं है, उनका अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। टुन्ना जी पांडे को डीएनए टेस्ट, हाँ डीएनए टेस्ट उनको अपने कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनका करेक्टर कोई नहीं है। जिसका अपना करेक्टर होता है तब दूसरे के करेक्टर पर कुछ भाषा पर किसी अथी पर उंगली उठाता है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं अगर ऐसे में बोलते रहे तो? एकदम नहीं बोलेंगे, 2 से 3 दिन में उनकी पर कार्रवाई होगी। पता चला है कि 8-10 दिन का टाइम मिला, एक नोटिस में मिला। आज हमारी बात हुई थी,
आज हमारे जिला अध्यक्ष बीजेपी के उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष उनसे बात किया था कि आप दो तीन दिन दम भरिए, दो तीन दिन पर उन पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर इस समय कार्रवाई नहीं होती है तो जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? हमारा जो नेतृत्व कहेगा उस स्टैंड पर हम लोग रहेंगे, जिला नेतृत्व काम करेगा। या ऐसा ही आप लोग उनके बाद ना प्रदेश का जो नेतृत्व हमको निर्देश देगा वैसा जिला नेतृत्व करने के लिए सदैव तत्पर। आखिर क्या वजह है कि इतना लेट से जिला का जो कमेटी है आपका, जिला की इकाई है, इतना लेट से उठ रहा है? प्रदेश में भी कुछ लोग नहीं बोलते हैं, विधानसभा चुनाव के समय भी। यहाँ सिस्टम है कि कोई अगर बात आती है दल के प्रति, नेता के प्रति, तो जो गठबंधन के जो दूसरे दल के लोग हैं उनसे हमारी बात होती है कि भाई, नया बात नहीं है, इसके पहले भी वो बोल चुके हैं, इसके पहले भी तो बात होती है। हमारे दल के अंदर एक खास बात है, ये नहीं कि मेरा दल का कोई, उसके दल सहयोगी दल का कोई व्यक्ति बोल दिया तो हमारे दल का कोई भी व्यक्ति कहीं भी बात कह देगा, नहीं। उसमें सिस्टम है, नियम है, वो व्यक्ति जो उसको पद दिया गया है, दूसरे कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे को निलंबित कर दिया गया है। नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने के बाद टुन्ना पांडे ने शहाबुद्दीन के परिवार वालों से मुलाकात की थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीवान से कुमार पौरुष की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।